हर महादेव, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या होता है कि जिन लोगों के हाथों में एलर्जी वगैरह होती है या किसी कारण से हमारे हाथ कटफट भी जाते हैं तो हमें साबुन से ना परेशानी हो जाती है, और बर्तन तो हमें धोने ही धोने हैं, लेडीज़ों का काम ही होता है कि बर्तन धोना। अब हम बर्तन कैसे धोएं, ये परेशानी हमें अक्सर हो जाती है ना। तो बर्तन हमारे धोना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो उसके लिए बहुत ही आसान सी टिप है कि हम क्या करें। इसके लिए आप एक सॉक्स ले लें और उसके ऊपर आप ये वाला जूना जो हरा वाला स्क्रॉच ब्राइट होता है इसको ले लें और ग्लूगन की सहायता से आप इसको चिपका दें। अगर आपको ज़्यादा मजबूत बनाना है तो आप इसके चारों तरफ सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए इसको ग्लूगन से चिपका दूंगी। ग्लूगन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगाना है फ्रेंड्स, और लगा के इसको चिपका दें। तो उससे क्या होगा कि जब भी जो भी हमारे हाथों में परेशानी होती है, जलन वगैरह जो हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो साबुन से वो हमारे नहीं होगा। किसी किसी को तो हाथों में एलर्जी भी होती है साबुन से, तो इस तरीके से हम अपने बर्तन को आराम से धो सकते हैं। ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आएगा और बर्तनों को धोएगा या किसे हम बुलाएं बर्तन धोने के लिए। तो ये हमारी एकदम टेंशन फ्री टिप्स है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप थोड़ा गीला करें, इसमें साबुन लगाएं और बर्तनों को आराम से आप धो सकते हैं। ठीक है, जब बर्तन मांजने हो तो इधर से धोएं मांजें, और जब आपको धोने हैं पानी से तो इस तरीके से आप उल्टी करके इसको पहन लें और आराम से आप बर्तनों को धो सकते हैं। है ना, कितनी काम की टिप, और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी और हमें किसी का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और हम जल्दी से आराम से इस काम को कर सकते हैं। अगली हैक से फ्रेंड्स मेरी, इस तरीके स्टील के जूनों को लेकर है। क्या होता है कि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो ये हमारे हाथों में चुभने चालू हो जाते हैं, जब इसके तार निकलने चालू होते हैं तो ये हमारे चुभने चालू हो जाते हैं। तो एक धागे से आप इसको बांध लें। ठीक है, अब आप एक बोतल का ऊपर का जो बिल्कुल ऊपर का हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा काट लें, दिखाती हूँ मैं आपको। आपको एक बोतल का टुकड़ा लेके उसका आगे से हिस्सा थोड़ा सा काट लेना है। ठीक है, इस तरीके से काट लें और इसके अंदर इस धागे को ऊपर की साइड में ले लें। ठीक है, अब आप एक इसका जो ऊपर का लगाने का ढक्कन है बोतल का, उसमें एक छेद कर लें। आप पेचकस वगैरह से किसी से भी छेद कर सकते हैं। ठीक है, और इस धागे को उसके ऊपर हमें डाल लेना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको इस तरीके से इस ये देखिए छेद किया है मैंने इसके अंदर। अब आप इसको धागे को इसके ढक्कन के ऊपर से निकाल लें और इसके अंदर एक गांठ लगा दें, तो उससे क्या होगा, ये मजबूत हो जाएगा। अब आप इसमें इससे बर्तन धोएंगे ना तो बहुत ही इजी तरीके से हमारे बर्तन धुल जाएंगे और इसके जो तार वार निकलते हैं है ना, जो हमारे हाथों में चुभते हैं, वो नहीं होगा। देखिए मैं आगे आपको इसके इससे गिलास धो के दिखाती हूँ, कितने आराम से गिलास मेरा धुल जाएगा और परेशानी भी नहीं होगी फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, या आप इसको नीचे की तरफ फैला के भी काम कर सकते हैं, इसका जो हिस्सा है नीचे का वो भी आप फैला दें तो अभी हम मतलब बर्तन धोएंगे तो कोई परेशानी और झंझट नहीं होगा और बहुत ही आराम से हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको इसके अंदर भी हम इसको फैला देते हैं तो हमारे बर्तन बहुत ही इजी तरीके से धुल जाएंगे। देखिए, इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं आप, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से सेट करके आप बर्तनों को धो सकते हैं। अगली हैक्स है फ्रेंड्स मेरी, इस तरीके की कलर की डिब्बियों को लेकर बच्चे अक्सर कलर की डिब्बी जब खाली हो जाती है तो फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की टिप है फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप दोनों साइडों पे इस पर डबल साइडेड टेप लगा दें और अब आप इसे बाथरूम में लगा दें। ठीक है, तो एक तरीके का ये ब्रश होल्डर बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। आप इनके ऊपर ना ब्रश लगा के रख सकते हैं, जितने भी 3, 4, 5 जितने भी आपको ब्रश लगाने हैं आप आराम से इन ब्रशों के इसके ऊपर लगा दें, और कोलगेट भी लगा सकते हैं, देखने में देखिए कितना सुंदर लगेगा, है ना। इस तरीके की प्लेटों को लेकर अगली हैक्स फ्रेंड्स मेरी, क्या होता है कि जब भी हम मतलब नॉनवेज वगैरह खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है जो प्लेटों में ना स्मेल सी आ जाती है, तो आपको क्या करना है, एक चम्मच बेसन ले लें और थोड़ा सा गीला करके आप इसको प्लेट को जब साफ़ करेंगे ना तो बहुत ही आराम से ये प्लेट हमारी साफ़ हो जाएगी और जो भी इसके अंदर से प्लेट के अंदर से स्मेल वगैरह आती है वो भी नहीं आएगी, है ना, और हमारी प्लेट आराम से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। जितनी भी आपके घर में प्लेट वगैरह है जिसमें से स्मेल वगैरह आती है, अंडे वगैरह जैसे हम खाते हैं तो उसकी भी स्मेल आती है बर्तनों में, बहुत जल्दी उसकी स्ट्रॉन्ग होती है स्मेल, और बहुत जल्दी ये प्लेट वगैरह हमारी अंडे की या नॉन वेज की स्मेल को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, जो कि हम कभी खाना वाना खाएं तो हमें देखने में या सूंघने में बहुत बुरी लगती हैं। तो इस तरीके से आप इन प्लेटों को साफ़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।